और दोस्तों दो नाइट स्टे करा मैंने और ये उनकी फैमिली है तो बहुत मिस करूंगा इनको। तो यहाँ से जा रहा हूँ मैं मरीन ड्राइव और रात को मैंने विजिट किया था तो रात का नज़ारा अलग था, लेकिन दिन में मैं वीडियो फोटो शूट करके उधर से निकल जाऊँगा। और काफ़ी इधर यादगार पल रहा इस सिलम एरिया में और दोबारा आऊँगा इधर की तरफ में। तो हम मरीन ड्राइव पहुंच चुके हैं, आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं। रात का जो यहाँ पर दृश्य होता है वो थोड़ा अलग होता है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। अभी सुबह थोड़ा छाँव है तो काफ़ी लोग आप देख सकते हैं, और वहाँ से वहाँ तक एक लाइन बनी हुई है। ट्रायंगल शेप ये, इनका भी थोड़ा सा महत्व बता देता हूँ कि क्या इधर इनका महत्व ये है कि जब समुद्र की लहरें ऊपर आती है तो इनके अंदर मतलब कि ये कटाक्ष करते हैं, उसका प्रेशर कम कर देते हैं ये वाले पत्थर, क्योंकि जब लहरें आएंगी तो इनके अंदर चली जाएगी, ठीक है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ के, सुकून है इधर। एक आप मुंबई के मिड में जाएंगे तो शोर शराबा वही बता रहा हूँ मैं, इधर आके आप शांति से बैठ सकते हैं और लुत्फ़ ले सकते हैं समुद्र का। आए दोस्तों 11:30 बज चुके हैं, अब उछलते हैं हाजी अली दरगाह की तरफ। और यहाँ का जो व्यू है वाकई में उस समय आप यहाँ बिल्कुल रिलैक्स फील कर सकते हैं। मुंबई के अंदर जाओगे तो भाई शोर शराबे से पागल हो जाओगे, लेकिन ये बहुत बेहतरीन जगह है, आप इधर आ सकते हैं कुछ टाइम, कुछ घंटे के लिए। ऐसा नहीं कि आप शाम तक इधर बैठे रहोगे, आपको मन लगेगा बिल्कुल नहीं, बोर हो जाओगे यार, सामने ट्रैफिक चल रहा है, इधर कब तक देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। और जो कि यहाँ पे वो कहते हैं कि कपल वगैरह वगैरह, तो वो आपको दिन में थोड़ा कम मिलेंगे, थोड़ा रात को यहाँ ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस दिन मैं रात को आया था ना। हाय दोस्तों, मैं बिल्कुल गलत था, दिन में भी आपको यहाँ पर कपल देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसा कि मैं थोड़ी आगे बढ़ा तो भाई मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं गलत कह रहा था पीछे, अरे दिन में भी आपको मिल जाएंगे। हाय दोस्तों, तो 12 बज चुके हैं और ये वाला जो बिस्कुट आप मुझे भवन के अंदर मिला था तो भूख भी बहुत लगी है, खाते हैं इसे। दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम यहाँ से 800 मीटर की दूरी पे मेरे से पीछे है, तो वो थोड़ा अंदर की तरफ है तो वहाँ मैं नहीं जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ अब एक्वेरियम में जो पहले पड़ता है हाजी अली दरगाह से, तो यहाँ से बस 6 मीटर की दूरी पे है, तो पहले वहाँ चलते हैं हाजी दरगाह, आपको उसके बाद दिखाते हैं। हाय दोस्तों, बिस्कुट के पैकेट में से बस मैंने 5-6 खाए हैं, और पता है मुझे ये वाले वीडियो बनाने वाला बिल्कुल मज़ा नहीं आता, लेकिन आपको बताना पड़ता है इससे आप भी दूसरों की मदद कर सके। तो पीछे एक पागल से कहेंगे लेकिन वो खुद पागल बना है मैं मानता हूँ, उसने सूट पहन रखा है, तो मैंने सारा बिस्कुट उसे दे दिया है। दोस्तों मुंबई में एक जगह और है जो आप विजिट कर सकते हैं मेन ड्राइव के आसपास, तो ये है तारापुर वाला एक्वेरियम। ये इंडिया का ओल्डेस्ट एक्वेरियम है, जहाँ इसे मैं नहीं घुमा सकता आपको क्योंकि ये आज बंद है, यहाँ पर कुछ कार्य चल रहा है इसलिए बंद पड़ा है काम की वजह से। तो हाजी अली की दरगाह हो चुके हैं, और भैया जी ने लिफ्ट सीधा यहाँ तक के लिए दी थी, ये अच्छी बात है, लिफ्ट डायरेक्ट मिल जाती है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। मुंबई से बाहर निकलूँगा तो थोड़ा सर्दी का एहसास भी होगा, और यहाँ पे अच्छा माहौल है, तो भाई क्या कहते हैं यहाँ पर चादर चढ़ाते हैं लोग, तो बहुत से लोग मुझे पकड़ रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूँ भाई मैं ट्रेवल कर रहा हूँ एक रुपये से, अगर आपका मन हो तो दे दीजिए फ्री में, चलेगा मैं बिल्कुल चढ़ाऊँगा। तो एक बात और बताना चाहता हूँ कि अंदर ना वीडियो अलाउ नहीं है, तो बस मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखाऊंगा और अपने कुछ फोटो खींच के चलते हैं यहाँ से। आपका नाम बताइए। राजेश गुप्ता। थैंक यू। सिद्धि विनायक मंदिर, और इस बार दोस्तों ये मुंबई में एक जगह और लेकर आया हूँ मैं, जहाँ पर बाबा साहब के नाम की एक परमानेंट कंटिन्यू जोत जलती रहती है, और 6 दिसंबर को यहाँ पर सेलिब्रेशन होता है, पूरे महाराष्ट्र के लोग इधर आते हैं, ये देखिए ये परमानेंट जलती रहती है। और अंकल जी को थोड़ा लेट हो रहा है, तो ये देखिए महापरिनिर्वाण जो दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को, क्योंकि बाबा साहब की उस दिन मृत्यु हुई थी। काफ़ी अच्छा है भाई, और यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, और ये पार्क है जो बिल्कुल समुद्र के किनारे है।
दोस्तों आप यहाँ भी विजिट करने के लिए आ सकते हैं, काफी बेहतरीन जगह है। दोस्तों जो आप सामने देख पा रहे हैं ये है छत्रपति शिवाजी पार्क और देखो दोस्तों मन्नत, ये है शाहरुख खान का घर। आगे का दृश्य देखिए, यहाँ पर काफी भीड़ देख सकते हैं, मेला लगा रखा है। देखिए मन्नत लिख रहा है, पानी डाल रहा है। हाँ। ये दोस्तों ये सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर का घर, जो मर गया। दोस्तों राजेश खन्ना को जानते होंगे आप, जो फिल्मों में बड़े ही शानदार एक्टर थे, तो उनका ये आशीर्वाद बंगला। दोस्तों आप ऐश्वर्या राय को तो जानते होंगे, तो उनका ये बंगला है उनकी बेटी के नाम। निवेदिता तो ये वाला है भाई। तो देखिए क्रिसमस की बिल्कुल पूरी शानदार तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। तो हिस्सा मुझे पता भी नहीं था कि मुंबई में इतना सेलिब्रिटी का घर है इधर, और ना ही मैं इधर सेलिब्रिटी घर देखने के लिए, लेकिन अंकल जी इधर की तरफ ही आ रहे थे, नहीं मेरे लिए इधर आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जू बीच के बिल्कुल नज़दीक हूँ मैं, और जू बीच से पहले मैंने काफ़ी लोकेशन घूम ली है। दोस्तों अंकल जी ने लगभग मुंबई घुमा ही दिया है, उसके बाद उन्होंने मुझे 200 रुपीज़ भी दिए, तो करता हूँ किसी की मदद दोबारा से। कभी कभी शॉर्टकट के चक्कर में ना गंदगी से निकलना पड़ता है। चलते चलते पसीने और थकान हो गई, और इतना पिया उन्हें आ रही है 60 रुपये का है। जो बीच जस्ट मेरे सामने है, चलो तो आपको हैशटैग दिखा देता हूँ, ये देखिए हैशटैग जू बीच। तो ये जो सामने दुकान है, तो भाई मैंने इस पर चार्जिंग फ़ोन लगाया, अब 68% हो गया भाई, मेरा जो फ़ोन था वो था 9%। तो यहाँ पे मैंने एक चिप्स लिया था और एक कोल्ड ड्रिंक ले ली और एक कुरकुरा। चलते हैं वाली की तरफ। हाय दोस्तों, तो जू बीच पे पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ यार दोस्त मिले हैं। तो भैया जी आपका नाम? मोहम्मद साहिल शेख। आपका? मिथुन। मिथुन, अरे क्या बात है मिथुन दादा। आशीष अंसारी जी। भाई आपका? इमरान अंसारी। तो भाई के यहाँ पे सिर्फ बोट चलाते हो? दोस्तों ये रात का जो बीच का नज़ारा है, ये रोड है, और यहाँ से ये देखिए भीड़ काफ़ी है। मुझे यहाँ पे लगभग 5 घंटे बैठे बैठे हो गए, और सामने देखिए वो समुद्र के अंदर डिस्प्ले है लगा रखी है, मतलब थोड़े ऊपर करके, और ये लाइटिंग तो आप देख ही रहे होंगे। तो भाई ठिकाना तो मिला नहीं, तो मैं जा रहा हूँ अपना यहाँ ढूंढ रहे पेट्रोल पम्प, जो यहाँ पे 2 पेट्रोल पम्प है, दोनों HP की हैं, देखते हैं कौन से पे जगह मिलती है। जो बीच पे ना वही सेम, बस यहाँ पे भीड़ थोड़ा ज़्यादा है, और जैसे मैं मांडी बीच पे गया था ना, सेम वही फीलिंग है, लेकिन ये थोड़ा मुंबई है, तो यहाँ पे थोड़ा पैसा लगा रखा है, और पैसा लगा रखा है तो ये समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों का अच्छा कारोबार, मतलब कि धंधा चल रहा है। चलिए थोड़ा अंदर को चलते हैं, आपको पानी दिखा देते हैं, फिर आप कहोगे बीच पे गया था और समुद्र का पानी नहीं दिखाया। काफी ओहो क्या बात है, इधर मेला लगा हुआ है। ये देख लीजिए भीड़ तो आप देख ही सकते हैं, आई थिंक मैं उधर था ना तो भीड़ थोड़ा कम दिख रही थी, इधर की साइड ज्यादा भीड़ है। तो ये देखिए यहाँ पर तो सामने वो डिस्प्ले लगी है, और जब से यहाँ बैठा ना कम से कम 40 हवाई जहाज इधर जा चुके हैं। क्या बात है। दोस्तों रोज़ दोस्तों ठिकाना 8:30 तक मिल जाता है, लेकिन आज 10 बज गए भाई, और ये भैया जी मिले हैं, मैंने इनसे बस रहने की जगह पूछती। आपका नाम क्या भैया जी? मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन है भाई जान। और भाई आपका? शंकर मंडल।
तो भैया जी ने भाई यहाँ रहने की जगह दी है, सबसे अच्छी बात है। यहाँ टेंट लगाने की भी आप परमिशन लेनी पड़ती है, जबकि ऐसा नहीं है कि नॉर्मली टेंट तो लगा ही सकते हैं, लेकिन भैया ने एकदम हाँ कर दिया है। और भैया जी खाना भी खिला रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। ओके थैंक यू। हाय दोस्तों, तो आज का ठिकाना पता कहाँ होने वाला है? यही, ये एक दुकान है आई थी मोटरसाइकिल की ठीक करने की या कार वार की ठीक करने की, ऑन रोड। तो भैया जी से मैंने सडनली पूछा कि मैं कैंपिंग टेंट कहाँ लगा सकता हूँ, तो बड़े प्यारे थे वो, उन्होंने कहा कि आप यहीं लगा लीजिए, यहीं सोचिए। फिर खाने का पूछा, तो खाना तो मैंने सुबह खाया था 7:40 के आसपास, अब 10:30 के आसपास मैंने खाना खाया है। तो हो जाता है कभी कभी अप डाउन, मतलब कि ये चलता है नॉर्मल, मेरे लिए हैबिट पड़ चुकी है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं कि हाँ भूखा रहा पूरे दिन। ये मेरा ठिकाना है।